परिवारवाद की राजनीति से ये लोग उबर नहीं पा रहे, और इसलिए जब आप बीजेपी के बारे में अभी आपको बताऊंगा, नरेंद्र मोदी को सीक्रेट फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कनेक्ट हो रही है खबरें। क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कई ऐसी पार्टियां हैं जो परिवारवाद से उबर नहीं पा रही। और मैं आपको मुलायम सिंह यादव का परिवारवाद जो है, या उनके परिवार में जो परिवारवाद है, उसके बारे में बताना चाहता हूं। सीएम, सांसद, विधायक से लेकर जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, सब बन चुके हैं इनके परिवार के लोग। नीचे से लेकर ऊपर तक इन्होंने कोई पद छोड़ा ही नहीं है। और अगर आपको इनका फैमिली ट्री दिखा दूं, अभी आप देखिएगा ये बोर्ड कैसे भर जाएगा। मैं अमूमन यहां से लिखना शुरू करता हूं, आज यहां से लिखना शुरू करना पड़ेगा। मुलायम सिंह हो गए, इनके बेटे अखिलेश ये नेता हैं, किसी से छुपा नहीं, एक्स सीएम रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं। इनकी पत्नी डिंपल ये सांसद रह चुकी हैं, पॉलिटिक्स में हैं। इनके जो दूसरे बेटे हैं प्रतीक, उनकी पत्नी है अपर्णा, अपर्णा यादव, ये अब बीजेपी में आ गई। और कहा जा रहा कि मैनपुरी में हो सकता है बीजेपी अपर्णा यादव को उतार दे डिंपल यादव के खिलाफ। प्रतीक जो है वो अपना फिटनेस सेंटर खाली चलाते, तो ये अभी पॉलिटिक्स में नहीं है। और ये मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी है उनके बेटे। मुलायम सिंह के पांच भाई, उसमें सबसे छोटे भाई शिवपाल यादव, और इनका परिवार देखिए, शिवपाल यादव पॉलिटिक्स में है, विधायक हैं, रहे हैं, इनको इनसे तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इनकी पत्नी है सरला यादव, सरला जी जो है वो पत्नी है, ये सहकारी बैंकों की राजनीति में रह चुकी हैं। फिर इनके जो बेटे हैं, इनके बेटे शिवपाल के, आदित्य यादव, ये अपने पिता की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश प्रादेशिक कोऑपरेटिव फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं, तो ये भी पॉलिटिक्स में आ गए। मुलायम सिंह के चौथे नंबर के भाई का नाम है राजपाल यादव, एक और भाई, मैंने बोला था ना बोर्ड अभी भर जाएगा, देखिएगा अभी जगह नहीं मिलेगी लिखने के लिए। इनके बेटे हैं अभिषेक, अभिषेक उर्फ अंशुल जो आप सुनते हैं, ये इटावा के लगातार दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। राजपाल यादव की पत्नी है, इनकी पत्नी जो है पत्नी प्रेमलता जी, ये दो बार प्रेमलता, ये दो बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी। इनके मुलायम सिंह के एक और भाई हैं, अब क्या बोर्ड भर गया, परिवारवाद ने बोर्ड भर दिया। अभी देखिए इनके भाई हैं अभय राम यादव, वो राजनीति में नहीं है, लेकिन अभय राम के बेटे हैं धर्मेंद्र यादव, जिन्हें आप सुनते हैं जो अभी चुनाव हारे, वो धर्मेंद्र यादव उनके चचा थे मुलायम सिंह यादव, ये सांसद रहे हैं। इनके भाई हैं अनुराग यादव, अनुराग ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन है संध्या, संध्या यादव, ये संध्या जी जो हैं वो मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। एक और बहन है शीला, अभी देखिए बोर्ड खत्म, परिवार खत्म नहीं हो रहा है, परिवारवाद खत्म नहीं हो रहा है, परिवार क्यों खत्म होगा, उधर चले जिए, ये भी राजनीति में रही। मुलायम सिंह के एक और भाई हैं रतन सिंह, अब यहां से देखिए खींच के लाना पड़ेगा, यहां जगह नहीं, रतन सिंह जी वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी बहू है मृदुला यादव, मृदुला जी जो है वो सैफई में की ब्लॉक प्रमुख हैं। इनके बेटे हैं तेज प्रताप यादव, तेज प्रताप ये मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं। अब मुलायम सिंह के एक और भाई हैं, ये देखिए कोने में, राम गोपाल यादव, ये चचेरे भाई हैं, ये राज्यसभा सांसद है, और इनके बेटे हैं अक्षय यादव, ये भी सांसद रह चुके हैं। इनके बड़े बेटे, अब जगह नहीं है भाई, मेरे पास जगह नहीं बची, लेकिन पार्टी में,
अलग अलग पदों में इनके लिए जगह ही जगह रही है। इनके बड़े बेटे हैं रामगोपाल के, आसित यादव के बेटे यानी रामगोपाल यादव के पोते कार्तिकेय यादव भी राजनीति में, रामगोपाल की बहन गीता देवी के बेटे अरविंद यादव भी राजनीति में है। ये है होता है परिवारवाद, और ये तो वो हैं जो हमें पता हैं, बाकी और जिनके बारे में उतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं सेट हैं।